हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का वर्कशीट 5। क्वेश्चन है, फर्स्ट कंप्लीट द टेबल, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इसमें क्या लिखा है इससे पहले समझ लीजिए। जैसे ये दिया है क्वेश्चन, 21 डिवाइडेड बाई 7 ओके इज इक्वल टू 3। तो क्या होता है इसमें, क्या होगा, ये क्या है, डिविडेंड। क्या है ये, डिविडेंड ओके। ये क्या है, डिवीजर, डिवीजर, और ये कोशेंट ओके। क्या होता है, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। जो नंबर, जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये 21 यहां पे क्या है, डिविडेंड है। एंड द नंबर विच डिवाइड द डिविडेंट, जो नंबर डिविडेंट को डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, डिवीजर। सेवन क्या है यहाँ पे, सेवन क्या है, डिवीजर है। एंड नेक्स्ट थ्री क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट क्या होता है, द रिजल्ट, जो भी डिवाइड करने पे जो भी रिजल्ट आता है हमारा वो क्या होता है, क्वेश्चेंट ओके। यही आगे लिखना है हमको, डिविडेंट, डिवाइजर, क्वेश्चेंट सब फिल करना है, समझना जरूरी है। ये लिखेंगे, एक क्वेश्चन है, पहला किया हुआ है, बी है, 18 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 18 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2 नाइन सा 18 कितने टाइम जाएगा, 9। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिविडेंड क्या है यहाँ पे, 18, किसको डिवाइड कर रहे हैं, 18 को। डिवीजर, डिवीजर क्या होता है, जिससे डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 ओके। क्वेश्चन क्या है, 9। इस तरह सी है, 35 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा इसमें, 35 डिवाइड बाई 5 7, 7 5 सा 35। यहां पे डिविडेंड क्या है, 35, डिवीजर क्या है, 5, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। क्वेश्चन क्या है हमारा, 7, जो रिजल्ट आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं। डी है, 64 डिवाइड बाई 8 64 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 सा 64, 8 कितने टाइम गया, 8, 8 हो गया हमारा क्वेश्चन। डिविडेंड क्या दिया है इसमें, 64, डिवीजर क्या है, 8, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से। क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 ओके। ई क्वेश्चन है, 50 डिवाइड बाई 5 50 डिवाइड करेंगे, 5 10 सा 50 10 टाइम जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। क्या लिखेंगे, डिविडेंड कितना है, 50, डिवीजर 5, क्वेश्चन 10 ओके। एफ है, 27 डिवाइड बाई 3 कितना जाएगा, 3 9 सा 27 9 हो जाएगा। डिविडेंड क्या है इसमें, 27, डिवीजर क्या है, 3, क्वेश्चन है हमारा 9 ओके। सेकंड क्वेश्चन है, मेक द डिवीजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। क्वेश्चन ए है, दिया हुआ है, डिविडेंड 36, डिवीजर 9, क्वेश्चन दिया है 9, तो डिवीजन फैक्ट क्या बनेगा, 36 डिवाइड बाई 9। डिविजन फैक्ट कैसे बनेगा, 36 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 4। ये किया हुआ है, बी हम करेंगे, डिविडेंड 30 दिया है, डिवीजर 6 है, क्या आ जाएगा क्वेश्चन, क्या आएगा हमारा, 6 5 सा 30 कितना आ जाएगा, 6 5 सा 30। डिविजन फैक्ट कैसे लिखेंगे, 30 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 5 ओके। ये हो गया। सी क्वेश्चन है, डिविडेंड 42, डिवीजर 7, क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, 42 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 7 6 जा 42। डिविजन फैक्ट क्या हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6 ओके। डी क्वेश्चन है,
डिविडेंड 72, डिविजर 9, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 9 8 जा 72, डिविजन फैक्ट लिखेंगे 72 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 8। ओके ये क्वेश्चन है, डिविडेंड दिया है 81, डिविजर 9, क्वेश्चन क्या आएगा 9 9 जा 81, डिविजन फैक्ट क्या होगा 81 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। एफ डिविडेंड 45, डिविजर 5, क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 5 9 जा 45, डिविजन फैक्ट क्या लिखेंगे 45 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 9। ओके